हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर वो सारे फंक्शंस के बारे में सीखेंगे जो कि मैंने ऊपर डिस्प्ले किया था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेस को ओपन करना है तो यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सेस आप सर्च भी कर सकते हैं, आपके में जहाँ भी एक्सेस होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा और उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मेरे पास एक्सेस का 2007 भी है और 365 भी है, तो इस बार मैं 365 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी कन्वीनियंट है और आप टेबल में ही सारी चीज़ें कर सकते हो बहुत ही ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ईजिली आप टेबल में ही सारी चीज़ें कर पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 वर्जन ओपन हो गया है। यहाँ से आपको ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ डेटाबेस का नाम आएगा, आप इस डेटाबेस के नेम को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है। ये व्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ टेबल फील्ड में मिलेगा, बाकी आप देखेंगे तो होम टैब में भी ये नजर आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके और इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिएगा और जो भी नाम आप इसे देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन नेम हमने दे दिया और एंटर कर दिया। और अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर आईडी आ रही है। ठीक है, आईडी में यहाँ पर देखिए ये आईडी प्राइमरी की है तो इससे फिलहाल हमें कोई मतलब है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर नम लिखेंगे, एन यू एम बी ई आर, नंबर लिख दिया, नंबर वन लिख दिया, एन यू एम बी ई आर कर देंगे, तो ये हो गया नंबर वन, एन यू एम करेंगे, एन यू एम बी ई आर, तो नंबर वन हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर टू कर देंगे, तो एन यू एम बी ई आर नंबर टू कर देते हैं, तो एक हो गया नंबर वन और दूसरा हो गया नंबर टू। और यहाँ पर आकर के और यहाँ इसे नंबर कर देंगे और इसको भी क्या बना देंगे, नंबर ही बना देंगे। तो यहाँ पे ये नंबर बना दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्लिंकिंग है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल कैलकुलेट यानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस फील्ड को नेम दे देता हूँ ऐड। ठीक है, यहाँ पे ऐड दे दिया है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेटेड मिल जाता है, अगर आप 2007 यूज करेंगे तो वहां पर क्वेरी अलग से बनानी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेटेड पर आ गए, एक्सप्रेशन बिल्डर हमारा ओपन हो जाता है। अब हमें करना क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और यहाँ क्या लिख देना है, नंबर वन। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है और यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा नंबर टू। ठीक है, यानी हम एडिशन ऑपरेटर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया नंबर वन और प्लस नंबर टू, और इसे एक नाम हमने ऐड दे ही दिया है, तो ये काम हो गया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे एस यू बी इस फील्ड को नाम दे दिया है। और यहाँ पर भी क्या लेना है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप ही लेना है। कैलकुलेटेड लेकर के यहाँ पे फिर वापस नंबर वन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस नंबर टू कर दीजिएगा, तो ये माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से करके और इसको बंद कर दीजिएगा और ये माइनस भी करके हमें दे देगा। फिर यहाँ पे अब मल्टीप्लाई की बारी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई इस फील्ड को नेम दे दिया। और यहाँ पर भी क्या लेना है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप ही लेना है, तो यहाँ से नीचे आके कैलकुलेटेड ले लीजिएगा। अगर आप 2007 या 2010 या 2013 यूज कर रहे हैं तो उस दशा में आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ फिलहाल क्वेरी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे नंबर वन, नंबर लिखा हमने वन अपॉन, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर टू कर देंगे, तो ये हो गया नंबर टू। तो नंबर वन अपॉन नंबर टू हो गया और यहां से इसको बंद करके और ओके कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद अब डिवाइड आएगा, तो यहाँ पे डी आई भी लिख देता हूं मैं। और यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप है, तो यहां पर आकर के कैलकुलेटेड करना है इसको। और फिर यहां पर क्या काम करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए और हमें लिखना है यहाँ नंबर वन, एन यू एम बी ई आर नंबर वन। और फिर यहाँ पे क्या करिएगा, अपॉन कर दीजिएगा नंबर टू, क्या करिएगा नंबर टू, तो ये हो गया नंबर टू। और इसको बंद करके और यहां से ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे जादू, कि यहाँ पर जिन दो नंबर्स को हम एंटर करेंगे उनको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करके ये दे देगा। जैसे सपोज कीजिए सेवन एंटर किया और यहाँ टू एंटर किया, तो सेवन और टू का जो एडिशन है वो यहाँ पे आएगा। फिलहाल यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फिलहाल यहाँ पर एक एरर दिख रहा होगा मल्टीप्लाई और डिवीजन में, बाकी एड में आपको सेवन सेवन दिख रहा है और सब्ट्रैक्ट में भी सेवन दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और डिवाइड भी करके दे रहा है। अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे 998 ले लिया और 98 में हमें 7 ऐड करना है। ठीक है,
अब जैसे ही टैब बटन प्रेस करके अगले वाले पे आते हैं तो इसको ना सिर्फ ऐड करता है बल्कि सब्ट्रैक्ट करता है, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, सब कुछ करके दे देता है। इसी तरीके से थर्ड वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर पॉइंट में कुछ देते हैं। तो ये देखिए 80.6 लिखा और यहाँ पर इसमें 7.2 ऐड करना है, तो क्या ये ऐड करेगा? तो जी हाँ बिल्कुल ऐड करेगा, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जब ये ऐड कर रहा है तो इसे होल नंबर में परिवर्तित कर दे रहा है, होल नंबर बना दे रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये होल नंबर बना दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये होल नंबर बना रहा है इसे। और अगर मैं यहाँ पे 81 पॉइंट में एंटर कर रहा हूँ तो भी ये क्या कर रहा है, इसे होल नंबर बना दे रहा है। तो ये होल नंबर ना बनाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप आइएगा, ये ऐड वाले फील्ड में आइएगा और ऐड वाले में और सब्ट्रैक्ट वाले में, देखिए ये नंबर वन वाले फील्ड में आइएगा और यहाँ पर ये लॉन्ग इंटीजर है तो इसे डबल बना दीजिएगा, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा लॉन्ग इंटीजर तो इसे भी डबल बना दीजिएगा। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। अब जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो अगर आप ओके करिए, अगर आप यहाँ पे पॉइंट में भी देते हैं कोई चीज़ तो भी ये कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पर ये पॉइंट हट जा रहा था लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.8 लिखा जा चुका है और उसी के हिसाब से कैलकुलेशंस भी यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, पॉइंट में कैसे परिवर्तित करना है और ये सारे कैलकुलेशंस कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कुछ एंटर करता हूँ, लाइक 9.77 एंटर करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे 5.2 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका एडिशन होके आ गया है। देख सकते हैं ये एडिशन है और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करके हमें दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर क्या होगा कि हम यहाँ पे 5.2 लिख दें और यहाँ पे लिख दें 2.1, तो क्या ये दोनों को ऐड करेगा? तो देखिए ये तो होल नंबर बना दे रहा है, ऐड वाले में और सब्ट्रैक्ट वाले में तो होल नंबर ये बना रहा है। तो एक बार चलते हैं ऐड वाले फील्ड में, यहाँ से डिजाइन व्यू पे लेते हैं और ऐड में चलते हैं, तो यहाँ पे ऐड में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट टाइप दिखा रहा है लॉन्ग इंटीजर, मैं इसे परिवर्तित करता हूँ डबल में। ठीक है, तो ऐड को डबल में परिवर्तित कर दिया, यहाँ पर आकर के इसे भी चेंज कर देंगे किसमें, डबल में, दोनों को डबल में चेंज करके यहाँ से व्यू पे क्लिक करके यस कर देना है आपको, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट भी पॉइंट में आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लाइक यहाँ पे 9.22 लिखा और यहाँ पर आए तो यहाँ पे 5.1 लिखा, तो देखिए ये अब जो है दोनों को कैलकुलेट कर रहा है, यानी दोनों को जोड़ करके होल नंबर नहीं बना रहा है, ना तो एडिशन में ना तो सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो आपका आ ही रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इससे कंफ्यूजन 100% दूर भी हो जाएगी। तो चलिए एक्सेल में तो आप कैलकुलेट करते ही हैं, आज एक्सेस में भी आपको कैलकुलेट